जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का दोस्तों खेला गया रोमांचक मुकाबला। आप सभी को बता दें, इस रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान ने टीम इंडिया से टी20 वर्ल्ड कप अपने पांचों हार का बदला एक ही मैच में ले लिया, क्योंकि टीम इंडिया को कोई हार का नहीं बल्कि शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा पाकिस्तान के खिलाफ। 6-7 विकेट से नहीं बल्कि 10 विकेट से दोस्तों पाकिस्तान ने मुकाबला जीता। 10 विकेट से कह सकते हैं कि टीम इंडिया ने स्कोर भी इतना बुरा नहीं बनाया था, 150 के पास का स्कोर था, लेकिन पाकिस्तान के दोनों खतरनाक ओपनर बल्लेबाजों ने अकेले दम पर ही दोस्तों पूरा का पूरा मैच पलट कर रख दिया और यहां पर जीत दर्ज करी ये शानदार मुकाबले में। तो पूरे मैच का हाईलाइट आपको अपनी इस खास वीडियो में बताने वाले हैं। इस मैच में क्या बड़े रिकॉर्ड्स बने, क्या मैदान की खासियत थी, क्या यहां पर टीम इंडिया ने बड़ी गलती करी पाकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले में। लेकिन उससे पहले, चैनल पर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सके। दोस्तों, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच मुकाबला था 24 अक्टूबर 2021 की तारीख शाम 7:30 बजे मुकाबला शुरू हुआ दुबई के मैदान पर। जब दोनों कप्तान विराट कोहली और बाबर आजम टॉस के लिए आए तो दोनों के चेहरे पर लंबी मुस्कान देखने को मिली। कप्तान कोहली ने बाबर आजम के कंधों पर हाथ रखकर काफी कुछ देर तक बात भी करते नजर आए, लेकिन जब टॉस हुआ तो बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। प्लेइंग 11 की बात करें तो प्लेइंग 11 दोनों ही टीमों की ज्यादा खतरनाक थी। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, आसिफ अली, इमाद वसीम, शादाब खान, हसन अली, हारिस रौफ और शाहीन अफरीदी थे पाकिस्तान की प्लेइंग 11। इंडिया की बात करें तो रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पंड्या, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह देखने को मिले। यानी कि अश्विन को मौका नहीं दिया, शार्दुल को मौका नहीं दिया और साथ ही साथ ईशान किशन और चहर को मौका नहीं दिया गया। अब पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की टीम दोस्तों यहां पर ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाई बल्ले से कमाल, क्योंकि दुबई का मैदान है और दोस्तों यहां पर तो टीम इंडिया को बेनिफिट मिलना चाहिए था, क्योंकि आईपीएल के मुकाबले अभी तक इसी मैदानों पर खेले जा रहे थे। लेकिन बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के दोस्तों अपने घरेलू मैदानों पर कोई भी मुकाबले होते नहीं, जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं वो उनको यूएई के मैदानों पर खेलने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इनको यूएई की पिचों पर ज़्यादा एक्सपीरियंस है बल्लेबाजी और गेंदबाजी का टीम इंडिया के मुकाबले में। लेकिन टीम इंडिया भी दोस्तों साल 2020 का आईपीएल और साल 2021 का आईपीएल इन्हीं मैदानों पर खेली तो एक्सपीरियंस होना चाहिए था, लेकिन आज के मैच में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। शुरुआत ही टीम इंडिया की बहुत ख़राब रही, जहाँ रोहित शर्मा ओपनिंग करने के लिए आए केएल राहुल के साथ और दोनों ही ओपनर बल्लेबाज 10 रन से नीचे ही आउट होकर चले गए। मैच की चौथी गेंद थी, शाहीन अफरीदी दोस्तों गेंदबाज थे, रोहित शर्मा यहां पर, जब केएल राहुल ने सिंगल लेकर यहां पर रोहित शर्मा को मौका दिया तो पहली गेंद पर रोहित शर्मा का विकेट होता है, गोल्डन डक पर हिटमैन शर्मा आउट होते हैं, मतलब उपकप्तान बिना खाता खोले वापस जा रहे हैं। टीम का यहां पर 1 रन पर चौथी गेंद पर विकेट गिर गया। दूसरा विकेट आने में भी ज्यादा देर नहीं लगती, अगला ओवर जहां पर खाली जाता है उसके बाद जैसे ही तीसरा ओवर लेकर शाहीन अफरीदी आते हैं, उनका खुद का दूसरा ओवर होता है, उसकी ही पहली गेंद पर राहुल का विकेट ले लेते हैं। केएल राहुल 8 गेंदों में 3 रन बनाकर शाहीन अफरीदी के हाथों सीधा क्लीन बोल्ड होते हैं, विकेटों पर जाकर गेंद लगती है और विकेटें बहुत दूर जाकर गिरती हैं। कप्तान कोहली और सूर्य कुमार यादव यहां से पारी संभालने की कोशिश करते हैं, दोनों बल्लेबाजों के बीच 25 रन की पार्टनरशिप बनती है, 5.4 ओवर तक ये पार्टनरशिप जाती है। सूर्य कुमार यादव दोस्तों हैं अगले बल्लेबाज होते हैं जो आउट होते हैं। सूर्य कुमार यादव 8 गेंदों पर 11 रन ही बना पाते हैं, हसन अली होते हैं गेंदबाज जो उनका विकेट लेते हैं और कैच पकड़ते हैं रिजवान, 1 चौका 1 छक्का सूर्य कुमार यादव लगाते हैं। लग रहा था दोस्तों कि सचमुच ही बल्लेबाजी के लिए पिच है ही नहीं, लेकिन जब विराट कोहली और ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी शुरू करी, सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, कप्तान कोहली तो दूसरे छोर से अपनी कप्तानी पारी खेल रहे थे, एक छोर से विकेट गिर रही है तो दूसरे छोर से उनका काम ये था कि वो एक छोर को पकड़ के खड़े रहे, तो सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आए और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी खासी 53 रनों की पार्टनरशिप हुई, जिसमें ऋषभ पंत ने दोस्तों अपने बल्ले से 30 गेंदों में 39 रन का योगदान दिया, 2 चौके 2 छक्के ऋषभ पंत के इस बल्लेबाजी के दौरान देखने को मिले और शादाब खान ने यहां पर ऋषभ पंत को अपना शिकार बनाया था। विराट कोहली इनके साथ दे रहे थे, लेकिन विराट कोहली ने तब अपना गियर चेंज नहीं किया था, यानी कि वो तेजी से बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे, वो रुक रुक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। इसके बाद हमें देखने को मिला कि विराट कोहली जब ऋषभ पंत आउट होगा तो उनको भी लगा कि अभी नहीं बल्ला चलाया तो कभी भी मौका नहीं मिलने वाला, तो विराट कोहली ने वहां से अपना गियर बदला और चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए और उनका साथ दूसरे छोर से रविंद्र जडेजा दे रहे थे। मतलब अब जो पारी विराट कोहली रन बॉल खेल रहे थे, यानी कि सिंगल सिंगल चुरा रहे थे, वही पारी रविंद्र जडेजा ने खेलना शुरू कर दिया। 13 गेंदों पर 13 रन रविंद्र जडेजा ने बनाए, उनका विकेट हसन अली ने लिया
और मैच का हसन अली का ये दूसरा विकेट था। कैच पकड़ी थी मोहम्मद नवाज ने जो सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के रूप में मैदान पर थे। दूसरे छोर से अभी विराट कोहली दोस्तों अपनी पारी जारी रखे थे, लेकिन उनका साथ देने के लिए हार्दिक पांड्या आते हैं, जहां हार्दिक पांड्या दोस्तों हमें देखने को मिलते हैं कि उनसे पहले विराट कोहली अपनी 49 गेंदों में 57 रन की पारी खेलते हैं। 5 चौके 1 छक्के की मदद से शाहीन अफरीदी होते हैं गेंदबाज, जो यहां पर अपना तीसरा विकेट, जो चौथा ओवर डालने आते हैं, तीसरा विकेट लेते हैं शाहीन अफरीदी। मतलब जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार के साथ बात करें तो मोहम्मद शमी, ये तीनों एक्सपीरियंस गेंदबाज आज फेल हुए और शाहीन अफरीदी जैसा युवा खिलाड़ी पूरे मैच में चमकता सितारा नजर आया। शाहीन अफरीदी ने दोस्तों बात करें तो आज रोहित शर्मा का विकेट लिया, विराट कोहली का विकेट लिया, केएल राहुल जैसे दिग्गज बल्लेबाज का विकेट लिया। तीनों शुरुआती बल्लेबाजों का विकेट शाहीन अफरीदी ने लिया, तो मतलब तारीफ में इनके कसीदे पड़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हार्दिक पांड्या ने 8 गेंदों में 11 रन बनाए। हारिस रौफ ने दोस्तों यहां पर विकेट लिया, कैच पकड़ी थी बाबर आजम ने, 2 चौके मारे। भुवनेश्वर कुमार लास्ट में थे, 4 गेंदों पर 5 रन उन्होंने बनाया था और शमी बिना खाता खोले दूसरे छोर से खड़े थे। बात करें तो आखिरी कुछ ओवर में टीम इंडिया ने अच्छे खासे रन जोड़े, वरना यह स्कोर 130 के आसपास ही रुक जाता। गेंदबाजी की बात करें तो शाहीन अफरीदी ने इस मुकाबले में 4 ओवर में 31 रन देते हुए 3 विकेट चटकाए। हसन अली ने 4 ओवर में 44 रन देते हुए 2 विकेट, शादाब खान ने 4 ओवर में 22 रन देते हुए 1 विकेट और हफीज ने 2 ओवर में 12 रन देते बिना विकेट के रहे, और हरीश रौफ ने 4 ओवर में 25 रन देते हुए 1 विकेट चटकाने में कामयाब रहे। मतलब शाहीन अफरीदी ने दोस्तों 3 विकेट चटकाया और हसन अली ने 2। इनके तेज गेंदबाजों ने तो कमाल कर दिया था। 20 ओवर के इस खेल में टीम इंडिया ने गिरते पड़ते 151 का स्कोर बनाया, जहां 152 अब चेस करना था दोस्तों पाकिस्तान की टीम को। अब चेस करने के लिए पाकिस्तान की टीम उतरी क्या, इनके दो ही बल्लेबाज पूरी टीम इंडिया पर भारी पड़े, मतलब पूरी की पूरी टीम इंडिया पर भारी पड़े। और मतलब दोस्तों आगे का जानकारी देने के लिए एज अ भारतीय फैंस के नज़रिए से यहां पर इच्छा तो नहीं, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ये देना ही है जानकारी, क्योंकि बात करें इसके मुकाबले की तो यहां से फिर शुरू होती है बल्लेबाजी पाकिस्तान की। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ही मैच जिताकर जाते हैं बल्लेबाजी करके। खुशी दोस्तों ऐसी बनाई जाती है पाकिस्तान के खेमे में जैसे उन्होंने फाइनल जीत लिया हो। खुशी हो भी क्यों ना, क्योंकि खुशी का माहौल है, टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जैसे मुकाबले में हराया है पाकिस्तान ने पहली बार। 5 बार इससे पहले T20 वर्ल्ड कप में भिड़े थे, 5 बार महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी में पाकिस्तान को हराया गया था, 7 बार T20 वर्ल्ड कप के अलावा वनडे वर्ल्ड कप में भिड़ी हैं और 7 बार यहां पर वर्ल्ड कप के मुकाबलों में जीती है टीम इंडिया। लेकिन ये मुकाबला जीत की स्ट्रिक को तोड़ता हुआ, 12 वर्ल्ड कप मैच की जीत की स्ट्रिक को तोड़ दिया। बात करें बल्लेबाजी की तो रिजवान ने आज के मुकाबले में 55 गेंदों में 79 रन बनाए, 79, 6 चौके 3 छक्के की मदद से। दूसरी तरफ बाबर आजम कप्तान ने 52 गेंदों में 68 रन की पारी खेली दमदार तरीके से, 6 चौके 2 छक्के इनकी इस पारी में थे। 130 का स्ट्राइक रेट बाबर आजम का था, तो वहीं 143 का स्ट्राइक रेट था मोहम्मद रिजवान का। कुल मिलाकर देखा जाए तो 17.5 ओवर की गेंद पारी दोस्तों टीम पाकिस्तान ने यह मुकाबला 10 विकेट से दोस्तों 10 विकेट बहुत होती है 10 विकेट, मतलब 1-2 विकेट या 6-7 विकेट से जीते तब भी समझ में आता, लेकिन 10 विकेट आपके पास बुमराह, शमी, चक्रवर्ती, भुवनेश्वर, जडेजा, 1-1 छाटे हुए नगीने गेंदबाज थे, लेकिन फिर भी आप कमाल नहीं कर पाए। आपको बता दें आप मैच के दौरान क्या कुछ खास घटा, स्कोर कार्ड पूरा बता दें दोस्तों कि 79 रिजवान ने, बाबर आजम ने 68 रन बनाए, 6 चौके दोनों ने लगाए, रिजवान ने 3 छक्के लगाए थे, बाबर आजम ने 2 छक्के लगाए थे। 55 गेंदें रिजवान ने खेली थी, बाबर आजम ने खेली थी और 152 पाकिस्तान ने बिना विकेट खोए बनाए थे। 5 T20 मुकाबले अभी तक इंडिया पाकिस्तान के बीच हुए थे, जिसमें 5 मैच दोस्तों इंडिया जीती थी, लेकिन उन 5 मैच का बदला पाकिस्तान ने कह सकते हैं एक ही मुकाबले में ले लिया, क्योंकि वो 5 मुकाबले दोस्तों बहुत क्लोज मुकाबले गए थे, आखिरी ओवर में या फिर किसी तरीके से गिरते पड़ते टीम इंडिया ने मैच जीते थे। लेकिन आज के मुकाबले में पाकिस्तान ने जो मैच जीता वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि टीम इंडिया से T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप की हार का बदला इस तरीके से लिया कि 10 विकेट से बाबर आजम ने अपनी कप्तानी में पहली बार बाबर आजम ने इंडिया टीम को हराया है। अब यहां पर कुछ बड़े रिकॉर्ड्स की बात करें क्या बने हैं दोस्तों, तो ऋषभ पंत ने यहां पर भले ही एक अच्छी बल्लेबाजी करी, उनके बल्ले से यहां पर रन निकले तो उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड भी बना दिया, महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा है। महेंद्र सिंह धोनी जब T20 वर्ल्ड कप में पहला मैच खेले थे तो उनकी उम्र 26 साल 28 दिन थी, लेकिन 24 साल 20 दिन की उम्र में दोस्तों ऋषभ पंत ने एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। T20 वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से सबसे बड़ी पारी खेलने वाले विकेट कीपर बल्लेबाज भी धोनी है, जिन्होंने 45 रन बनाए साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन 39 रन
की पारी। ऋषभ पंत ने खेल दी वो दूसरे नंबर पे आ गए। वहीं बात करें दोस्तों, इससे पहले 133 चेस करती नजर आई थी ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका की टीम, टीम इंडिया के खिलाफ इतना बड़ा 200 विकेट से जो चेज हुआ था। उसके बाद 130 चेज हुआ था जहां पर 2021 में, 2012 में वो चेज हुआ था। लेकिन ये 2021 में दोस्तों पाकिस्तान ने 152 चेज किया है। ये हाईएस्ट टोटल चेज हुआ है बिना विकेट खोए किसी भी टीम के द्वारा। बात करें इस मैच के मैन ऑफ द मैच की, तो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान नहीं बल्कि यहां पर मैन ऑफ द मैच बने हैं शाहीन अफरीदी। अगर वो विकेट नहीं लेते तो टीम इंडिया दोस्तों ये मैच जीत जाती। अब 10 विकेट का दोस्तों ये रिकॉर्ड टूट गया है क्योंकि टारगेट देते हुए चेस करा 102 का यहां पर था। बड़े बड़े रिकॉर्ड यहां पर आज के मुकाबले बनते नजर आए। हाईएस्ट पार्टनरशिप फॉर पाक अगेंस्ट इंडिया फॉर एनी विकेट ये टी20 में, मतलब पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ सबसे बड़ी पार्टनरशिप जो खेली थी वो हफीज और मलिक के बीच चौथे विकेट के लिए अहमदाबाद 2012 में हुई थी 106 की। लेकिन आज 152 की पार्टनरशिप दोस्तों यहां पर हुई है। 10 विकेट्स विन इन टी20 वर्ल्ड कप्स में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया कह सकते हैं ये सबसे बड़ी जीत में से एक है। ओमान वर्सेस पीएनजी का अमृत वाला मुकाबला दोस्तों याद होगा जिसमें 130 रन बनाए थे बिना विकेट खोए। लेकिन आज के मुकाबले में पाकिस्तान ने कह सकते हैं मेला लूट लिया और इस मुकाबले को पाकिस्तान ने इंडिया टीम को बुरी तरीके से हार का सामना कराया 200 विकेट से। कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया हारी। कोहली ने अच्छी पारी खेली, ऋषभ पंत ने अच्छी पारी खेली और गेंदबाजी में कोई भी गेंदबाज नहीं चला। हार्दिक पांड्या को इंजरी का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से वो मैदान से बाहर गए। साथ ही साथ बात करें रोहित शर्मा गोल्डन डक पर आउट हुए, ये हार का एक बड़ा कारण बना। दूसरी तरफ दोस्तों बात करें शार्दुल ठाकुर को ना खिलाना, ये दिक्कत वाली बात नजर आई। तीसरी तरफ दोस्तों मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह का आज एक्सपीरियंस जैसे मैचेस में एक्सपीरियंस ना दिखाना, ये दिक्कत वाली बात नजर आई। वरुण चक्रवर्ती स्पिनर गेंदबाज थे जो एकमात्र उनको आज के मैच में एक ना एक विकेट लेकर देना था क्योंकि लास्ट में ड्यू फैक्टर दोस्तों बहुत असर डाल रहा था बल्लेबाजी पर। तो यहां पर क्या सकते हैं कि वरुण चक्रवर्ती से निराशा हाथ लगी। केएल राहुल ने निराश किया, सूर्य कुमार यादव ने निराश किया, मतलब प्लेइंग 11 ने आज निराश कर दिया। एकमात्र कप्तान कोहली को छोड़कर बाकी सभी और ऋषभ पंत को छोड़कर बाकी सभी आज फेल रहे पाकिस्तान के खिलाफ। 2021 टी20 वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला टीम इंडिया हारी है पाकिस्तान से। बात करें यहां पर पॉइंट्स टेबल की दोस्तों, तो पॉइंट्स टेबल पर इस समय पाकिस्तान की स्थिति ग्रुप टू में नंबर वन पर है और वहीं नंबर लास्ट पर आ गई है टीम इंडिया ऐसी हार के साथ। एक तो नेट रन रेट बढ़ा है 200 विकेट से जीत के साथ, प्लस इनके 2 पॉइंट्स चढ़ चुके हैं खाते में पाकिस्तान टीम के। पाकिस्तान ने अपनी हार का बदला लिया है इंडिया से बड़े ही शानदार तरीके से। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।